तो माहौल पूरा जबरदस्त है इस टाइम पे। तो मुझे पता क्या लग रहा है कि हमें ना आज रात के 11-12 बजेंगे अपनी लोकेशन पे पहुंचने तक काफी टाइम लगने वाला है। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई बार बार वेलकम बैक टू द चैनल हो जाता है भाई, रास्ते ही इतने मस्त है ना कि क्या करें। इतने बड़े बड़े व्लॉग अपलोड भी करते हैं, अच्छे थोड़ी लगते हैं आप लोग एडवेंचर ना देख पाओ इकट्ठा, तो अलग अलग से दिखाएंगे ना। तो भाई पिछले व्लॉग में वाटर क्रॉसिंग की बात कर रहा था कि हमें मिल नहीं गई, तो वो ना यहाँ से 10 किलोमीटर आगे, तो रास्ता जो भाई हम लोग आ रहे हैं ना चलते पूरा खतरनाक रास्ता, यहाँ से भी अभी हम लोग निकलना है क्योंकि लैंडस्मैन जोन है पूरा। मोनू भाई जल्दी करो निकले लैंडस्मैन जोन में, हाँ ये कभी भी खिसक सकता है, हम निकलते आगे। तो अपना हम वही वाटर क्रॉसिंग पे रुकेंगे सीधा, ठीक है। तो भाई ठंडी हवा भी स्टार्ट हो गई है साथ में ना, ट्रक आ जाता ना आगे से तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो ये रास्ता ही ऐसा है, एक तो मेरे आगे टायर के पत्थर लग गया आगे, यही रहने देते हैं गाड़ी, एक और आ गया निकल जाएगा। तो भाई असली लाइफ तो इन ट्रक वालों की है, जितना रास्ता हम लोग किला से आए ना ये तो नहीं पहुंचने वाले आज, ये तो पता नहीं पूरी रात चलाएंगे या कैसे, क्योंकि 10-20 की स्पीड पे ये लोग चलेंगे, इससे ज़्यादा तो ये चल भी नहीं सकते। तो आप लोग रास्ता इंजॉय करो, रास्ता देखो क्या खतरनाक है, क्योंकि मैं ना वो वाटर क्रॉसिंग मिस नहीं करना चाहता, अंधेरा हो जाएगा, मैं अभी गाड़ी खींचूँगा जितनी खींच सकता हूँ हिसाब से खींचूंगा, पूरा ऑफ रोड है तो लैंडस्लाइड इस रोड पे जगह जगह पे है। तो वो लोकल बता रहा था कि इतना पैच कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब बनाते हैं कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड हो जाती है, तो मशीनें वगैरह इनकी दब जाती हैं नीचे, तो काफ़ी कैजुअलिटीज होती हैं, तो फिर रोड नहीं है, इन्होंने रोक दिया काम। बाकी देखो आने वाले टाइम में कोई आए तो बंदा बना भी दे, कुछ कह नहीं सकते, अभी तो फिलहाल के लिए टूटा हुआ है, इतने नुकीले नुकीले ऊपर से पत्थर दिख रहे हैं ना। हाँ आप लोगों को मैं अगर रोड बताऊँ ना, ये रोड है किला टू टांडी रोड जो मनाली जाता है, टांडी बीच में टिंडी भी आता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है उस वजह से। तो रोड मस्त है भाई, तो भाई लोगों मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहता हूँ कि यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार। तो डस्टर का अगर आप लोग एडवेंचर देखना चाहते हो पूरा, अपना डस्टर क्या क्या कर सकती है, कैसी परफॉर्मेंस है उसकी मड पे, स्नो वाला तो चलो आने वाले टाइम में मिलेगा। तो गाड़ी देखो मैं पूरी डस्टर को भगा रहा हूँ अच्छे से, गाड़ी मतलब इतनी सी भी स्किट नहीं करती कि इधर से उधर हिल जाए, बहुत अच्छी है गाड़ी। तो मैं 110 की बात कर रहा हूँ, 85 की तो मत लेना भाई, 85 में दिक्कत है क्योंकि उसमें इंजन है दूसरा निशान का, तो वो दिक्कत करता है। मैंने 85 भी रखी है, 6-7 महीने रखी थी, मैंने सेल कर दी थी, ये गाड़ी मुझे उससे कई गुना बेटर है, 90% बेटर है, ठीक है। 10% वो है कि फंक्शंस कुछ सिमिलर हैं, वो तो सेम ही मिल गया, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में एक नंबर, मैंने पूरी बदली है गाड़ी अभी जितने दिन भी हमने एडवेंचर किया है। तो भी अगर ब्लॉग वो देखे नहीं है ना तो सच पास के देखना आप लोग, सच पास में गाड़ी ने मस्त परफॉर्मेंस की दी थी, एक जगह भी टायर स्किट नहीं किया, एक जगह किया था वो भी मैंने खुद करवाया था, स्ट्रगल करवा दिया था मैंने हल्का सा इसकी पावर देखने के लिए। एक और वाटर क्रॉसिंग, भाई वाटर क्रॉसिंग बहुत है यहाँ पे, अंधा वाटर क्रॉसिंग है। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। भाई गाड़ी तो कहती है कि धीरे तो निकलना ही नहीं, तेज निकालो जहां से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रास्तों पे भाई, वैसे भी एक स्पीड पे निकलना चाहिए, ज्यादा स्पीड भी नहीं कि गाड़ी का संतुलन खो दो आप लोग, एक स्पीड पे है ना। मैं अभी चल रहा हूँ 30 पे, 30 40 30 40,
जिस जगह मुझे लगता है कि हाँ 50 पे चलनी चाहिए तो मैं चला लेता हूँ, नहीं तो 30-40 से तो एक मोमेंटम से गाड़ी निकलती है, मोशन बना देता है गाड़ी का। बाकी भाई ऐसे जगहों में ना सस्पेंशन हो गया, टायर हो गया और इंजन हो गया, ये तीन चीज़ें ही हैं जो गाड़ी की ओके होनी चाहिए। बॉडी तो चाहे जितनी मर्जी गली हो, बैठे रहोगे आप, ये तीन चीज़ें से में से एक चीज़ भी तो आपकी खराब हुई, ऐसी बड़ी कुछ भी हुआ पड़ा तो आप फंस गए, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा उसमें। तो भाई लोग देखा क्या मस्त वाटर क्रॉसिंग थी, मेरी कैप गिर गई, वो भीग गई थी वहीं पे, तो भाव इतना तेज़ था ना वाटर क्रॉसिंग का, शाम का टाइम हो गया ना, जैसे जैसे और रात होगी एक बार और भाव तेज़ होगा, तो सुबह 3-4 बजे जो फ्रोजन होना स्टार्ट होगा ऊपर टॉप पे, तब जाके पानी थोड़ा फ्रोज होगा, फिर 10 बजे यही हालात था 8 से 10 के बीच। वहाँ रास्ता जो है ना बहुत खतरनाक है यार, बहुत खतरनाक है सच में। अभी आगे टार्मिक रोड आ गया है, अभी भाई आगे पक्के रोड और सामने यार माउंटेन, क्या अच्छा लग रहा है स्नो माउंटेन ना, पहाड़ों में तो कहीं भी घुस जाओ भाई हर जगह ही सुंदर लगेगी, हर लोकेशन वैली इतनी शानदार है अंदर, जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। मैं सबके मतलब नाम नोट करके लाया हूँ इस बार, तो मैं जल्दी से जल्दी वो कवर जरूर करूँगा, ये जगह कोई पहुँचा नहीं है अभी। बीच बीच में ट्रैक्स भी हैं, ट्रैक्स अपने लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कल आने वाले टाइम में प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। यार भाई रास्ता ऑफ रोड चलते जा रहा है, पूरा मजा आ रहा है एकदम, मतलब पक्का रोड तो मिलता ही नहीं है हमें, बीच में तो अंधेरा भाई फुल होने वाला है, 7 बजने वाले हैं, तो जो वाटर क्रॉसिंग है ना भाई जिसका मुझे इंतजार है वो लग रहा है रात को आएगी, जहाँ तो भाई पता नहीं बंद कर दी, समझ नहीं आ रहा यार। तो आप लोग सामने रोड देखो कैसे रोड जा रहा है, और नदी तो बिल्कुल साथ साथ ही चल रही है, अभी हाइट से नीचे उतरे थे तो फिर से हाइट पे चढ़ गए, बस यही सिलसिला चल रहा है आज तो सुबह से। बाकी भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, है ना, अगर डस्टर के लिए आप लोगों को परफॉर्मेंस देखनी है, कोई डस्टर लवर है, कोई भाई नया डस्टर लेना चाहता है, कुछ भी है ना, तो मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि मुझे लिए अभी 20 दिन हुए हैं, 15 से 20 दिन मोस्टली, तो मैंने 2 ट्रिप जब मेरा दूसरा ट्रिप है वो भी ऑफ रोड तगड़े वाला, और गाड़ी यार मक्खन, तो एवरेज तो भाई आप लोग खुशी हो जाओगे। मैं तेल का कैलकुलेशन आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताऊँगा कि मेरा डीजल कितना लगा और सस्पेंशन कैसा है इसका, क्या खराब होगा क्या नहीं हुआ, तो कि पूरा ठीक है कि यार जो भी है सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। बस एक छोटा सा मेरा नुकसान होने वाला था, नुकसान होते होते वो बच गया, वो कैसे, सचपास हम लोग उतर के आ रहे थे तो मनु भाई का क्लच ढीला हुआ, तो उसके 10 मिनट बाद इसकी लिंकरा ढीली होगी, क्योंकि हमें तो पता लगना नहीं था, नीचे तो सारी मिट्टी लगी हुई थी,
तो फिर हम लोग पहुंचे किलाड़ पांगी में। मुझे लगा कि इसके ना यार बुश कट गए सारे लिंगराड के अपना, और दूसरा क्या कहते हैं स्टेयरिंग राड के, स्टेयर राड के बुश जो होते हैं वो कट गए, लिंगराड नहीं, तो मुझे लगा बुश कट गए। तो जहाँ तो फिर भाई कुछ नीचे से टूट गया है, क्योंकि इंजन प्लेट तो लगी हुई है, पूरा कवर किया हुआ है। तो मैं टेंशन में आ गया, मैं क्या पता नहीं, यहाँ 4x4 के पार्ट्स का ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं है, मतलब एक्सल ख़राब हो जाए तो, बाकी तो चलो मोस्टली लग ही जाता है। तो मैं मैकेनिक के पास पहुंचा, मन्नू भाई के क्लच में एयर बन गई थी, वो उन्होंने निकाली, सेट किया। फिर इसकी तरफ आए, इसकी भाई लिंकरा ढीली हुई थी, मतलब 2-3 चूड़ी रह गई थी बस, तो वो उतरने वाली थी। अगर वो उतर जाती, टूट जाती, पता नहीं यहाँ मिलती ना मिलती, क्या बनता है ना, जुगाड़ करके वहाँ हमारे 1-2 दिन ख़राब होते, कितने दिन ख़राब होते, तो बहुत दिक्कत हो जानी थी। तो भगवान की तरफ से सिर्फ लिंकरा ढीली हुई है स्ट्रिप पे, वो भी टाइट कर दिया भाई, 1 रुपया स्पेंड नहीं हुआ किसी चीज़ का, अपना डीजल डाल रहे हैं और निकल रहे हैं। और आज मॉर्निंग जब स्टार्ट की थी गाड़ी, रात टेम्परेचर गया था -2 के आसपास, 1 डिग्री। हाँ, सुबह मैंने हीटर दिए थे, फर्स्ट मैंने एक सेल्फ लगाई, गाड़ी स्टार्ट होने लगी थी, मैंने बंद कर दी, वो मेरी गलती थी। फिर दूसरे कैंप पे नहीं, तीसरे कैंप पे स्टार्ट हो गई 3-4 हीटर लगाने के बाद गाड़ी ठीक है, क्योंकि रात ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो वो ब्लॉग तो भाई मैं डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ना सीरीज कल की मेरे से हो गए डिलीट, तो वो 2-3 ब्लॉग थे बहुत अच्छे थे, वो डिलीट हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो एडवेंचर लवर हो, एडवेंचर आप लोगों को हम दिखा देंगे, है ना। तो पिछली बार कैप्टिवा ख़राब हुई थी भाई, वो बहुत मुश्किल से मैनेज करके घर लेके पहुँचा था मैं। एक और भाई वाटर क्रॉसिंग, भाव अभी बढ़ चुका है काफ़ी। भाई अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ ना, जिस जो वाटर क्रॉसिंग ढूंढ रहे थे भाई, कब की ढूंढते आ रहे थे हम लोग ना, मज़ा ही ख़राब हो गया सारा। ये है वो जन्ना, जो सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग थी इस रोड की। तो अभी मैं ब्रिज पे चल रहा हूँ भाई, डर भी लगता है इस पे चलने पे। पहले ना यहाँ से पानी निकलता था पूरा, वहाँ नीचे तक का पानी होता था, 200-300 मीटर तक नीचे गहरा पानी यहाँ से जाता था, कच्चा रास्ता था, बंद कर दिया इन्होंने सारा। उधर तो पानी की कोई बूंद भी नहीं है, सारा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया इधर नीचे नदी में, तो चंद्रा नदी चल रही है साथ में। तो माहौल पूरा ज़बरदस्त है इस टाइम पर। तो मुझे पता क्या लग रहा है कि हमें ना आज रात के 11-12 बजेंगे अपनी लोकेशन पर पहुँचने तक, काफ़ी टाइम लगने वाला है। चलो बढ़िया भी है यार, बहुत से लोगों की गाड़ियां टूटती थी यहाँ पे, वो नहीं होगा, अच्छी बात है। आने वाला टाइम में ये है कि सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, सुधार काफ़ी हो रहा है यहाँ पे। तो गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी है मस्त, थोड़ी सी रेस्ट देने के लिए रुका हूँ, ताकि अपना गाड़ी को भी साथ थोड़ी सांस मिल जाए। हमें भी भाई रेस्ट चाहिए, तो गाड़ी को क्यों ना चाहिए, गाड़ी से मोहब्बत होनी चाहिए, तो भाई रेस्ट दे के निकला करो गाड़ी को। बहुत लंबा चल के आ रहे हैं हम लोग, अगर रास्ता यहाँ से दिखे, वो देखो रास्ता, मतलब ऑफ रोड तो अपना साथ ही नहीं छोड़ रहा। अभी मुझे याद नहीं है कितना पड़ा के कितना नहीं, तो गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है, टच वच तो कहीं नहीं हुई। ये भाई टूट गया अपना, इसका हाल हो गया बुरा, ये खड़ा नहीं हो पा रहा, ये नहीं खड़ा हो पा रहा भाई, और कुछ ना समझ लेना, बाकी तो सब ओके है।
भाई किल्लार से टांडी के रास्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अभी आप माहौल देखो, हम लोग 12 बजे के निकले हुए थे तो अभी भी हम लोग पक्के रोड पे नहीं पहुंचे हैं, अंधेरा हो गया। गाड़ी की सराउंडिंग लाइट सारी चला दी है, अभी किसी रोड पे रुकेंगे वहां फिर दिखाता हूं आप लोगों को। तो जो माहौल है ना वो पूरा इस टाइम पे मतलब डेंजर जोन चल रहा है। तो बात पता क्या हो गई है, बीच में एक करोला की ना यार सारी लाइटें बंद हो गई हैं, सिर्फ एक हेडलाइट चल रही है। तो मैं अब स्लो चलना पड़ेगा, तो भाई पता नहीं अब कितना टाइम इस रास्ते पे लगेगा हमें। तो चलो डस्टर में तो सारी लाइटें हैं, तो उसके इंस्ट्रक्शन से गाड़ी पीछे पीछे आ रही है अभी। तो भाई माहौल पूरा ख़तरनाक है, ऊपर भी ध्यान रखना पड़ रहा है लैंडस्लाइड का, क्योंकि बारिश का माहौल भी बार बन रहा है। तो हमें जैसे तैसे करके अपनी किसी ना किसी लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा टाइम पे, क्योंकि टाइम भी 9 बज गए हैं। तो भाई ख़तरनाक सीन हो गया इस टाइम पे कुल मिला के। तो भाई भी पता नहीं है कौन सा ब्रिज है, किस रोड पे चल रहे हैं अभी। है तो वही रोड पे जिस रोड से हम लोग आ रहे थे यहाँ पे। ओ भाई साहब, पिछली बार मैंने ये वाटर क्रॉसिंग पार की थी, अब की बार यहाँ पे पानी इन्होंने मोड़ दिया है, इसका रुख हर चीज का रुख यहाँ पे मुड़ा हुआ है। काफी सुधार हो गया है मतलब ऑफ रोड सिस्टम में अब यहाँ में। अब ये लास्ट वाटर क्रॉसिंग थी मेरे हिसाब से इस रास्ते पे, इसके बाद अब वाटर क्रॉसिंग नहीं आएगी क्योंकि उदयपुर आने वाला है, तो उदयपुर से पहले वाटर क्रॉसिंग ख़त्म हो जाती हैं सारी, तो पक्का रोड भी स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए टांडी। तो टांडी भाई इतनी मुश्किल से पहुंचे ना, वो देखो गाड़ी अपनी कहानी हो रखी है, कहानी में इसकी एक लाइट चल रही है, चलती रही सारी लाइट। ये सुबह आप दिखाएंगे क्योंकि यार सिसु जाने का भी ना कोई बेनिफिट नहीं था, सिसु जाते ना तो बेफालतू 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना तो जाना, पार्किंग के चार्जेस हैं, लेकिन पार्किंग से भाई सेफ है बिल्कुल बढ़िया। एक गाड़ी उधर लगी है सामने, मैं लगा लूँगा है ना, अपना बेड सेटअप बना ही हुआ है गाड़ी में, मैं घुमा के लगा लूँगा ऐसे बोनट इस साइड पे, तो अपना उस साइड से चढ़ना हो जाएगा दूसरी साइड से। तो फिलहाल के लिए अभी यही स्टेशन जो रास्ता था भाई, मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ओसम ऑफ रोड ने तो हमारा साथ ही नहीं छोड़ा। झेलम करके पता नहीं झालम करके ऐसे कुछ आ रहा था गाँव, वहाँ तक आया पूरा। तो गाड़ी तो अपनी एक भी जगह टच नहीं हुई, उस गाड़ी का थोड़ा सा था कि वो टच तो हुई है लेकिन जो प्लेट लगी है ना उससे थोड़ा सा बचा रह गया गाड़ी का। तो अभी जो ढाबे में है ना, ढाबा भाई ढाबे का नाम क्या था, ढाबा 28 है, बाकी भाई से मिलवाऊंगा, कैंप साइड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे प्रॉपर। तो गाड़ी अभी तो यहीं लगी रहने देंगे, थोड़ा सा ना कुछ खा खूले अंदर, क्योंकि भाई भूख भूख तो आज बहुत लग रही है, क्योंकि कल भी नहीं कुछ खाया अच्छे से, परसों